माता के प्रिय भक्तों, आप सभी को जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण च संस्थिताम् नमः तत्सै नमः तत्सै नमः तत्सै नमो नमः। आज मैं आपको विंध्यवासिनी देवी माँ के दर्शन के लिए लेके चल रहा हूँ। अभी इस समय यहाँ पे बहुत ही अद्भुत एवं सुंदर निर्माण कार्य हुआ है, जिसकी एक छवि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय हम लोग माँ विंध्यवासिनी के देवी के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। देखिए क्या सुंदर, चारों तरफ चुनरियों की दुकान और विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए हम गली से होते हुए माँ गंगा के किनारे पहुँच रहे हैं, जहाँ पे स्नान ध्यान करने के बाद माता के दर्शन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गंगा नदी का तट जो है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। वहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण बड़ा ही सुंदर तरीके से किया गया है। नए कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी चल भी रहा है। आप देख रहे होंगे कितने आनंद के साथ दर्शनार्थी स्नान का आनंद ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नदी के किनारे किनारे पे जो है बालू के बोरियाँ लगा दिए गए हैं, जिससे कि आराम से आप नदी में स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये पक्का घाट की तरफ हम लोग हैं इस समय। देखिए नीचे से दर्शनार्थी ऊपर उठ रहे हैं और सीढ़ियाँ सीधे माँ के प्रांगण में पहुँच रही हैं। सीढ़ियाँ अभी थोड़ी सी ऊंची-ऊंची हैं। यहाँ निर्माण कार्य देखिए चल रहा है लगातार। अभी ये देखिए यहाँ पे जो भव्य द्वार माँ विंध्यवासिनी का पक्का घाट की तरफ से है, वो आप देख पा रहे होंगे। अंदर से कितना सुंदर, पहले यहाँ तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती थी, आदमी को लाइन गलियों में से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन इस समय जो निर्माण कार्य हुआ है बड़ा ही अद्भुत एवं मनोरम लग रहा है, और यहाँ पहुँच के मन में हर्ष और उल्लास पूरी तरह से भर जाता है। अगल बगल बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, जहाँ से आप प्रसाद, चुनरी, गमछा कुछ भी ले सकते हैं आराम से, और माता के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इस समय थोड़ा भीड़ है, नवरात्र का समय चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पब्लिक बहुत ही भीड़ ज़्यादा है। थोड़ा सा भी पब्लिक समझदारी दिखाए तो बड़ी ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है, जिसके कारण वो सोचते हैं कि मैं पहले माँ का दर्शन कर लूँ। इस वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ की स्थिति पैदा होती है, लेकिन चूँकि दर्शन में ये चीज़ सामान्य है, इसलिए वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है। देखिए ये माँ का प्रांगण, यहाँ देखिए क्या सुंदर वृक्ष है। ये अंदर कॉरिडोर में से लाइन लगी हुई है, चारों तरफ से माता का दरबार सजाया गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। और क्या अद्भुत निर्माण कार्य है, आप देखिए कितनी अच्छी नक्काशी और पिलर के काम चल रहे हैं। अभी काम चल ही रहा है पूरा काम, और पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस यहाँ पे तैनात है, किसी भी दर्शनार्थी को कोई नुकसान न हो पहुँच पाए और आसानी से दर्शन कर सकें। ये देखिए भीड़ का आलम माता के दर्शन। कई बार ऐसा भी देखा है कितने छोटे छोटे बच्चों को माताएं जो है कंधों पर बैठा के माता के दर्शन के लिए जा रही हैं। कितना त्याग होता है माँ के दर्शन के लिए, जो है कितना उत्साह होता है। छोटे बच्चे भी उसी में दबते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो माता के दर्शन के लिए जाते हैं अपनी माँ के साथ। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम दृश्य लगता है। इसको देख के ये लगता है कि भीड़ कुछ भी नहीं है, आराम से माता के दर्शन होंगे। और इसमें देखिए इसमें आप देख रहे हैं कितना सुंदर सजा हुआ है। माता के दर्शन के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है भाई, नियम कानून का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए दर्शन करके हम लोग बाहर निकल आए हैं। बाहर से मैं एक बार नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना सुंदर, जैसे लग रहा है कि कहीं विदेशों का मंदिर प्रांगण है। बड़ा ही सुंदर प्रांगण बना हुआ है। और इसके बाद हम लोग अभी इसी तरह के और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस प्रकार हम अगले वीडियो में माँ अष्टभुजी देवी का दर्शन आपको कराएंगे। जय माता।